गुजरात, चौधरी इमरान लतीफ, चौधरी जीशान अफजल गोंदल और चौधरी अमीर अफजल बेगा की जर सरपरस्ती। खूबसूरत कांटे का मैच मुतवक्को। डीएफए गुजरात वर्सेस कंबाइन एफसी वजीराबाद, चौधरी इमरान लतीफ की जेरे सरपरस्ती। खूबसूरत मैच। नहीं, मैच स्टार्ट हो चुका है। पहले ही हाफ में वजीराबाद ने अटैक लगा दिया, खूबसूरत सेव किया कीपर की जानिब से। लुकमान के पास बॉल, सुनील अच्छी कैरी करते हुए सुनील की जानिब से। वजीराबाद कंबाइन एफसी के पास बॉल, काफी जोरहाना तरीके से खेलते हुए जी बॉल खिला दिया है जी मिडफील्डर को। दिफाई खिलाड़ी मौजूद, बॉल लेने में हुए कामयाब। लें जी, खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से कीपर ने किया सेव। वजीराबाद 2 मिनट के अंदर 2 चांस अटैक लगा दिया है जी वजीराबाद ने। डीएफए गुजरात के पास बॉल, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, अच्छी ट्राई, खूबसूरत चांस किया मिस डीएफए गुजरात की टीम ने। वजीराबाद कंबाइन एफसी वर्सेस डीएफए गुजरात, जेर सरपरस्ती चौधरी इमरान लतीफ, चौधरी जीशान अफजल गोंदर, चौधरी अमीर अफजल बेगा, टीम कोच राणा गुफरान। बॉल चली, पास हुआ, लें जी एक बार फिर मौका है जी। 25 लाइन से क्रॉस हुआ, टॉप ऑफ द डी, खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन बैक पास खिलाने में हुए कामयाब। ऑफ साइड रेफरी का इशारा जी, बिल्कुल ऑफ साइड हो चुके हैं जी प्लेयर इस वक्त, और किक मिलेगी वजीराबाद एफसी को। रेफरी ने विसल कर दिया जी, डीएफए गुजरात को फ्री किक मिलेगी। डीएफए गुजरात वर्सेस कंबाइन एफसी वजीराबाद, पहले आपका खेल जारी, दोनों टीमें बगैर गोल के, बगैर किसी गोल के इस वक्त बराबर। इस मैच के स्पॉन्सर हैं जी रहमान बेकर्स गुजरात, प्रोप्राइटर चौधरी मोहम्मद लतीफ, और इस मैच की सरपरस्ती कर रहे हैं चौधरी इमरान लतीफ, एडवोकेट प्रेसिडेंट ऑफ डीएफए गुजरात। यानी शेयर करते जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं, कमेंट करते जाएं, इंशाल्लाह आपको कमेंट्स का जवाब मिलेगा। क्या खूबसूरत, और रेफरी का इशारा ऑफ साइड है जी, बिल्कुल प्लेयर हो चुके हैं जी ऑफ साइड, डीएफए गुजरात को 2 ऑफ साइड हो चुके हैं जी।
खूबसूरत मैच दोनों टीमों की जानिब से, अच्छी पासिंग। वजीराबाद एफसी कंबाइन एफसी वर्सेस राजा जवेद अली। नसीरा से मुझे ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम हो गया आपका। इंशाल्लाह नसीरे का इवेंट 10 तारीख को स्टार्ट होने लगा है और डीएफए गुजरात ने गोल कर दिया जी, खूबसूरत गोल अहमद की जानिब से, डीएफए प्लेयर अहमद की जानिब से खूबसूरत स्कोर कर दिया गया है जी। नवीस डोगे वालेकुम सलाम, अमेरिका से देख रहा हूँ, वेलकम हो गया ब्रो जी, अमेरिका से मुझे ज्वाइन किया है जी नवीस, वेलकम हो गया। चौधरी इमरान लतीफ को सलाम, वालेकुम सलाम जी। नहीं जी, गुजरात की फुटबॉल आप देख सकते हैं जी, ऑल स्पोर्ट्स के संग नहीं जी, अटैक लग चुका है डीएफए गुजरात को और कीपर ने किया अच्छा क्लियर। डीएफए गुजरात काफी तगड़ी टीम, मेरिट के ऊपर प्लेयर निकाले हुए हैं जी। वजीराबाद एफसी कंबाइन एफसी जी, ये जामिया स्टार ग्राउंड में हो रहा है जी, गुजरात में जामिया स्टार गुजरात। नफीस नवीज नवेज भाई बहुत शुक्रिया आपका। नहीं जी, येलो शर्ट में मलबूस हैं जी डीएफए गुजरात, जबकि वजीराबाद कंबाइन एफसी व्हाइट शर्ट में। नहीं जी, लाइन पे खूबसूरत बॉल खिलाया जी वजीराबाद के प्लेयर ने, क्रॉस लगाया और अच्छी सेव, डीएफए का खिलाड़ी वहां पे मौजूद है गुजरात का और कीपर ने किया अच्छा सेव। इस मैच को मुकम्मल स्पॉन्सर किया है जी रहमान बेकर्स प्रोपराइटर चौधरी मोहम्मद लतीफ जी, गुजरात में ये बेकरी वाकया जी। इस मैच के मुकम्मल स्पॉन्सर चौधरी मोहम्मद लतीफ रहमान बेकर्स गुजरात। बहुत शुक्रिया नवेज भाई, बहुत शुक्रिया। नहीं जी, खूबसूरत तरीके से बॉल आ गई। नहीं जी, ऑफ साइड, नहीं जी ऑफ साइड दे दिया गया लाइन मैन की जानिब से ऑफ साइड। डीएफए गुजरात तीसरी दफा ऑफ साइड हो चुकी है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ऑफ साइड पे करना होगा कंट्रोल। 1-0 से ये मुकाबला इस वक्त जारी, डीएफए गुजरात 1 जबकि वजीराबाद एफसी 0। नहीं जी, क्लियरेंस और अच्छी शॉट वजीराबाद एफसी कंबाइन की जानिब से, 10 नंबर खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, कॉर्नर मिलेगा जी। अब्दुल जबार गलियाना के खूबसूरत प्लेयर, डीएफए गुजरात का हिस्सा इस वक्त। और बॉल डीएफए प्लेयर के पास, अच्छी क्लियरेंस है 7 नंबर बॉल लेने में और खूबसूरत क्लियरेंस 5 नंबर की जानिब से वजीराबाद एफसी कंबाइन जी। खूबसूरत तरीके से खेल पेश करते हुए डीएफए गुजरात और वजीराबाद की टीम जामिया स्टार ग्राउंड गुजरात में ये शो मैच डीएफए ने मुनक्कद करवाया जी। हम उनके नहायत मशकूर डीएफए प्रेसिडेंट चौधरी इमरान लतीफ और उनके साथ चौधरी जीशान अफजल गोंदल, जबकि जनरल सेक्रेटरी मीर अफजल चौधरी मीर अफजल बेगा के नहायत मशकूर। एक दफा फिर अटैक लगा लेकिन बाल होगी आउट, कोई भी प्लेयर वहां पे मौजूद नहीं। अहमद ने डीएफए गुजरात की जानिब से स्कोर किया पहला। जी गोल किक मिली है जी, गोल लगा किक लगाएंगे वजीराबाद के प्लेयर, वाइड में मलबूस है वजीराबाद के। लें जी डीएफए गुजरात के पास बॉल और खूबसूरत बॉल कंट्रोल जी। माशाल्लाह जी, फीफा ने पाबंदी उठा दिया जी, पाकिस्तान से बैन उठा दिया है, अब फीफा के तमाम इवेंट का बनेगा हिस्सा पाकिस्तान और फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए चौधरी जीशान अफजल और चौधरी इमरान एडवोकेट ने किया फैसला लाइव कवरेज का।
मैं उनका नहायत मशकूर है। बॉल लगी, किक लगी, सेंटर में हेड किया डीएफए के प्लेयर ने। बहुत शुक्रिया नवेज भाई, आप लोगों को इंशाल्लाह मुकम्मल तीन इवेंट हैं जी, तीनों कवर करने हैं मैंने, टीडीसीपी, खारिया, नसीरा और जब्बार मिसिंग करते हुए इस वक्त लें जी 10 नंबर के प्लेयर वजीराबाद के उमर जी, उमर को कॉल हुई है। लें जी बॉल क्लियर करने में हुए कामयाब लुकमान, डीएफए गुजरात की जानिब से खेलते हुए बहुत ही खूबसूरत प्लेयर लुकमान। अच्छी पास, खूबसूरत पास लेकिन बॉल को क्लियर किया उमर के पास। कंबाइन एफसी 10 नंबर प्लेयर वजीराबाद और एक बार अच्छी मूव बनाते हुए नहीं जी बॉल होगी आउट, गोल किक मिलेगी, गोल किक मिलेगी जी डीएफए गुजरात को। पहले आपका खेल जारी, 1-0 से मुकाबला इस वक्त जारी और पीछे से प्लेयर आए हैं। येलो शर्ट में मलबूस है डीएफए गुजरात जबकि व्हाइट में मलबूस वजीराबाद कंबाइन एफसी। लें जी लुकमान सेंटर मिडफील्ड में मौजूद, अच्छा पास अपने खिलाड़ी को, बहुत खूबसूरत पास, खूबसूरत तरीके से डीएफए पासिंग करती हुई और बाल पूरे तरीके से खिला नहीं सके। बाल को किया चेंज, सुनील ने खूबसूरत एड लगाया और वजीराबाद कंबाइन एफसी के पास बॉल जी, थ्रो मिलेगी जी वजीराबाद को क्योंकि खिलाड़ी से टच होकर गया है। नवेज भाई का मैं निहायत मशकूर, उन्होंने मुझे किया जॉइन। पहली डीएफए गुजरात वर्सेस एफसी कंबाइन वजीराबाद, ले जी एक बार फिर खूबसूरत मौका लेकिन क्लियर करने में हुए नाकाम। लें जी अगेन लें जी नहीं, कीपर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनल अंदाज से कीपिंग करते हुए हिट लगाई और बॉल डीएफए गुजरात के पास। अच्छी बॉलिंग, अच्छी पासिंग, जिशान गोंदल वेल डन टीम गुजरात एंड गुड कमेंट्री सैया जी, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जिशान गोंदल इस वक्त जी, जबार के पास बॉल लें जी और दूर से ही ट्राई लगाई, यकीनन अगर ये थोड़ा सा बाल को रन करते लेके तो खतरनाक साबित हो सकता था, डीएफए गुजरात को दूसरी कामयाबी मिल सकती थी। लें जी इस वक्त स्कोर पोजीशन 1-0 डीएफए गुजरात, एक अहमद हुए कामयाब स्कोर करने में। कंबाइन एफसी के पास बॉल, लेनी फर्स्ट टच खेल रहे हैं वजीराबाद, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बढ़तरी को किया जाए बराबर और खूबसूरत पास, अच्छी मूव, खतरनाक साबित हो सकता है। क्रॉस लगाया लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था जी। लेनी अगेन क्रॉस लगाने की भरपूर कोशिश लेकिन दफाई खिलाड़ी मौजूद, थ्रो मिलेगी जी वजीराबाद एफसी को और रेफरी जी बिल्कुल रिजवान हीरा लेजेंड ऑफ गुजरात इस वक्त
रेफरी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं जी। उन्होंने विसल किया, यकीनन फाउल था जी, बिल्कुल जी। आज के मैच को मुकम्मल स्पॉन्सर किया जी रहमान बेकर्स ऑफ गुजरात, प्रोप्राइटर चौधरी मोहम्मद लतीफ, और इस मैच को ऑर्गेनाइज करवाया है चौधरी इमरान लतीफ, चौधरी जीशान अफजल गोंदल बाल होगी जी आउट, और उनके साथ चौधरी अमीर अफजल बेगा जी, बिल्कुल बेगा से उनका तलक, जबकि चौधरी जीशान अफजल गोंदल एमडी गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और चौधरी इमरान लतीफ एडवोकेट। नहीं जी एंडबॉल रेफरी ने किया चेक, और अच्छे तरीके से जी इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए रिजवान हीरा लेजेंड ऑफ गुजरात, टॉप ऑफ द डी तकरीबन टॉप पे मिलेगी हिट, और खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन ऑफ साइड भी है, ऑफ साइड का भरपूर फायदा उठाना चाहिए डीएफए प्लेयर्स को। नहीं जी रेफरी का विसल और बॉल काफी ज्यादा पोल से दूर आउट होगी जी। वजीराबाद कंबाइन एफसी वर्सेस डीएफए गुजरात, स्कोर पोजीशन इस वक्त 0-1, डीएफए गुजरात 1, डीएफए गुजरात की जानिब से अहमद ने किया स्कोर, और वजीराबाद भरपूर कोशिश करते हुए कि किसी तरीके से इस बर्तरी को किया जाए खत्म। नहीं जी हम नहायत मशकूर है राणा गुफरान साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से तरबियत कर रहे हैं इस डीएफए गुजरात की टीम को, जो कि नजर भी आ रही है बच्चों के आपस में काफी कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा खेल पेश कर रहे हैं जी। नहीं जी अहमद पहले हाफ का खेल जारी, सरजमीन जामिया स्टार गुजरात में। नहीं जी खूबसूरत पासिंग करते हुए डीएफए की अगेन टीम और अटैक लगाने की भरपूर कोशिश है, लेकिन दफाई खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, बाल को किया क्लियर, लाइन पे खिला दिया जी। डीएफए की टीम गुजरात की काफी अच्छे तरीके से पासिंग करते हुए खूबसूरत तरीके से लेफ्ट आउट को खिलाया है जी, क्रॉस लगेगा टॉप ऑफ द डी, और कोई भी खिलाड़ी हेड लेने के लिए वहां पे मौजूद नहीं, और अच्छा चांस कीपर, और कॉर्नर मिलेगा जी, यकीनन कॉर्नर मिलेगा। नहीं जी डीएफए गुजरात को मिल चुका है कॉर्नर, कॉर्नर पे तकरीबन 90% होते हैं जी स्कोर जी। देखते हैं डीएफए गुजरात है क्या इस कॉर्नर का फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। ऑफ साइड मुकम्मल जी, फीफा के रूल के मुताबिक इस मैच को करवाने में जनाब कामयाब हो चुके हैं चौधरी इमरान लतीफ, चौधरी जीशान अफजल गोंदर और उनके साथ चौधरी अमीर अफजल बेगा, जबकि टीम कोच राणा गुफरान हम उनके नहायत मशकूर के। और अच्छी क्लियरेंस, हैंडबॉल हो चुका है जी, और बॉल होगी जी आउट, गोल किक मिलेगी जी वजीराबाद कंबाइन एफसी को, व्हाइट जर्सी में मलबूस है कंबाइन एफसी वजीराबाद, जबकि येलो में मलबूस है डीएफए गुजरात। यानी गोल किक मिली है जी, बॉल होगी थी आउट, अच्छा चांस था जी, दूसरा चांस मिस करते हुए डीएफए गुजरात की टीम इस वक्त। नहीं गोल किक लगी है वजीराबाद, और नहीं जी जब्बार की जानिब से खूबसूरत क्लियरेंस है, अब्दुल जब्बार अब खेलते हुए थ्रो मिलेगी जी, थ्रो मिलेगी जी डीएफए गुजरात को। थ्रो हुई जी 10 नंबर उमर के पास बॉल, अच्छी पासिंग
और अच्छा क्रॉस लुकमान बॉल के साथ साथ जबार के पास बॉल। ले जी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से अटैक लग चुका था लेकिन बॉल होगी आउट। गोल किक मिलेगी जी। लेफ्ट आउट के पास बॉल। नहीं जी रेफरी का इशारा फाउल है जी, वजीराबाद को मिला है जी, किक मिली है, पास हो चुका है जी। इस वक्त काफी अच्छे तरीके से मेहनत करते हुए डीएफए गुजरात के प्लेयर्स। और नहायत ही खतरनाक अंदाज से किया फाउल, यकीनन रेफ देंगे येलो कार्ड क्योंकि काफी खतरनाक तरीके से किया गया फाउल। प्लेयर अभी भी डाउन जमीन पर गिरे हुए और दूसरे खिलाड़ी उनको देखते हुए कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी जी। येलो कार्ड मिला है जी और वार्निंग नेक्स्ट टाइम होगा जी, रेड कार्ड और जाना पड़ जाएगा ग्राउंड से बाहर। ले जी रेफरी रिजवान हीरा इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए, हम इनके नहायत मशकूर डीएफए। और लॉन्ग किक लगाने की कोशिश की थी लेकिन ले जी काउंटर अटैक लग चुका है। 9 नंबर के पास बॉल, अच्छी मूव थी लेकिन कीपर कामयाब हुए क्लियर करने में। बॉल को अगेन चला दिया गया, लेफ्ट हाफ बैक चेंज किया लेकिन नहीं जी। राइट हाफ बैक थोड़ी सी हाइट पे कैमरा लगा हुआ है, मैं इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे दिखाने में। ले जी लेफ्ट साइड पे बॉल चल रहा है लाइन के ऊपर लेकिन लुकमान बॉल लेने में हुए नाकाम। अच्छा पास था। कंबाइन एफसी वजीराबाद वर्सेस डीएफए गुजरात होंगे जी ऑफ साइड जी। खूबसूरत तरीके से अब्दुल जब्बार ऑफ साइड लेने में हुए कामयाब जी। और खूबसूरत तरीके से खेल इस वक्त जारी। इस मैच को मुकम्मल स्पॉन्सर किया है जी रहमान बेकर्स गुजरात जी, प्रोप्राइटर चौधरी मोहम्मद लतीफ, और इस मैच को ऑर्गेनाइज कराया है डीएफए प्रेसिडेंट चौधरी इमरान लतीफ, उनके साथ चौधरी जीशान अफजल गोंदल, जबकि जनरल सेक्रेटरी चौधरी अमीर अफजल बेगा। चौधरी अमीर अफजल बेगा ओ काफी लॉन्ग थ्रो किया जी सुनील की जानिब से। पहले आपका खेल जारी है जी, एक एक स्कोर से गोल बराबर। लेनी क्रॉस लग चुका है जब्बार, काउंटर अटैक लग चुका है जी। डीएफए की टीम की काफी अच्छी रनिंग, तकरीबन 3-4 प्लेयर, और अच्छी ट्राई, खतरनाक ट्राई थी, बहुत ही खूबसूरत ट्राई लेकिन बॉल होगी आउट। थोड़ा सा ही फर्क रह चुका था। नहीं जी 6 नंबर की जर्सी पहन रखी है जी डीएफए के प्लेयर के पास बॉल। अहमद
यानी थ्रो मिली है जी कंबाइन एफसी वजीराबाद को, खूबसूरत तरीके से खेलते हुए कंबाइन एफसी और डीएफए के गुजरात के प्लेयर्स। नहीं नहीं, टॉप ऑफ द डी वजीराबाद को एक खूबसूरत मौका ट्रे में रख के दिया डीएफए गुजरात में। देखना होगा जी इसका फायदा उठा पाएंगे वजीराबाद कंबाइन एफसी के प्लेयर या के जी। टॉप ऑफ द डी फ्री किक मिली है जी वजीराबाद कंबाइन एफसी को। हिट लगी, बॉल होगी जी आउट जी, बिल्कुल बॉल हो चुकी आउट। टाइम नहीं नहीं भाई, चेक हो जा सा टाइम हो नहीं क्या के इको ही ऑफ है 5 मिनट है यार 10 मिनट लें जी। पहले आपके खेल में 5 मिनट लें जी, हाफ हो चुका है जी। पहले हाफ फौरन बाद निंदोवाल की सरजमीन पर बहुत ही खूबसूरत इवेंट है जी। क्रेडिट गोज टू चौधरी इमरान लतीफ एंड मुकम्मल टीम, बिल्कुल जी। अहमद के पास बॉल, बॉल करेंगे स्टार्ट। बॉल का हुआ जी आगाज, नहीं जी सुनील अच्छा रन करते हुए बॉल को खिला दिया लाइन के ऊपर। अब लेफ्ट आउट को पहुंचना होगा, लेकिन दिफाई खिलाड़ी पहले पहुंचे और बॉल को किया क्लियर। नहीं जी कंबाइन एफसी वजीराबाद बॉल को क्लियर करने में हुए कामयाब, थ्रो मिलेगी जी वजीराबाद एफसी कंबाइन एफसी वजीराबाद को। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। कंबाइन एफसी वजीराबाद वर्सेस डीएफए गुजरात, स्कोर पोजीशन 1-0 जी, 1-0 इस वक्त स्कोर पोजीशन है जी। नहीं जी अच्छा रन करते हुए डीएफए गुजरात मौका मिला है, लेकिन मिडफील्डर पहुंचने में हुए नाकाम। खूबसूरत तरीके से बॉल खिलाया था जी, लेकिन वहां पे कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, बॉल हो गया आउट। गोल किक मिलेगी जी कंबाइन एफसी वजीराबाद को। लाइन पे बॉल खिलाई है जी और अच्छी क्लीयरेंस डीएफए गुजरात की जानिब से। लाइन पे बॉल खिलाई है जी, अहमद बॉल रिसीव करते हुए, लेकिन बॉल को कंप्लीट क्लियर ना कर सके, बॉल होगी जी आउट। थ्रो मिलेगी डीएफए गुजरात को, सुनील करेंगे थ्रो, काफी लॉन्ग थ्रो करते हैं जी सुनील। वेलकम टू एवरीवन। लें जी फाउल मिला है, देखना होगा किसको मिला है। हाँ जी वजीराबाद एफसी को फाउल मिला है जी, फ्री किक करेंगे टॉप ऑफ द डी, जो कि होती है खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है जी। पिछले हाफ में 3 से 4 दफा टॉप ऑफ द डी मिली, लेकिन फायदा उठाने में हुए नाकाम। इस दफा देखना होगा क्या इस फ्री किक का फायदा उठा पाएंगे या नहीं। और क्या ही खूबसूरत सेव है गोलकीपर की जानिब से।
कीपर भी बहुत अच्छा है। छोटे थ्रो मिलेगी जी वजीराबाद एफसी को। बीएफए गुजरात ने एक गोल कर रखा है कंबाइन एफसी वजीराबाद को। लाइन पे बॉल, अहमद मौजूद, काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ले जी अच्छी क्लीयरेंस, अच्छी क्लीयरेंस। अहमद बॉल कंट्रोल करने में हुए नाकाम। क्या खूबसूरत स्किट लगा के सुनील ने किया बॉल को क्लियर और बॉल को किया हासिल सुनील के पास बॉल। अच्छा रन, बॉल को खिला दिया है जी और ऑफ साइड। क्या खूबसूरत तरीके से सुनील ने बॉल को खिलाया जी अपने प्लेयर को देखते हुए, लेकिन प्लेयर हो चुके थे ऑफ साइड। ग्यारह नंबर ले जी वजीराबाद कंबाइन एफसी। थ्रो मिलेगी जी कंबाइन एफसी वजीराबाद को। टच हुआ है जी लास्ट डीएफए गुजरात का और थ्रो मिलेगी जी सुनील करेंगे आई थिंक थ्रो। लाइन पे बॉल खिला दिया जी। नहीं क्रॉस लगाने की कोशिश ऑफ साइड को थोड़ा और क्रॉस लगाया खतरनाक साबित, लेकिन दिफाई खिलाड़ी मौजूद है बॉल को क्लियर करने में हुए कामयाब। अगेन पासिंग करते हुए काउंटर अटैक की भरपूर कोशिश वजीराबाद की जानिब से और ये जी बिल्कुल अच्छी क्लियरेंस है। जी चेंजिंग की गई है राणा गुफरान की जानिब से खूबसूरत तरीके से इस टीम को मैनेज करते हुए राणा गुफरान डीएफए कोच, हम उनके नहायत मशकूर। दूसरा हाफ है 1-0। दूसरे हाफ का खेल शुरू इस वक्त गुजरात जामिया स्टार की सरजमीन डीएफए गुजरात का दूजी का गुजरात गोल कर कीते आवे कर गया। नहीं जी कार्नर मिला है जी एफसी वजीराबाद को। बाल जी कीपर कोई मजबूरी में खिलाना पड़ा वजीराबाद को और ये लगते हैं जी होंगे ऑफ साइड और खूबसूरत शूट और एक और मौका मिस किया जी डीएफए गुजरात ने
शूट लगाई लेकिन बॉल होगी, पहले कीपर ने सेव की, दूसरी दफा ट्राई मिली तो बॉल होगी आउट। जी निंदोवाल के मैच में मेरा ट्राईपोड थोड़ा सा टूट गया था जिस वजह से आज थोड़ा सा लूज हो रहा है बहुत ज्यादा। थोड़े पानी के आ गए नहीं जी, अजान का होगा आई थिंक वक्फा। नहीं जी फाउल मिला है जी वजीराबाद को। अच्छा घर में वेखिया ना, घर घर एडी टीम में वेखिया ना, बट नाइन स्कोर मारा ने गोल करवा फिर इस रे इसरे ही मारना बड़ा साढ़ा स्कूल मारना बड़ा ऐसे जीते बड़ा इसरे। हैं जी अच्छी शॉट है, अच्छी क्लियरेंस है सुनील की जानिब से, काफी जोश में खेलते हुए सुनील और काफी अच्छा खेल पेश करते हुए जी सुनील डीएफए गुजरात की जानिब से। बाल दे एक बार आउट फिर कारण मिला है जी वजीराबाद को।
ਗੇਮ ਡੱਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਸ ਦੇ ਲਿਆ ਹੁਣ घर गया कारण मिला जी अगेन कॉर्नर मिला है जी वजीराबाद एफसी को। अजान के एहतराम की वजह से मैं थोड़ी देर रहा हूँ खामोश। जी स्कोर पोजीशन इस वक्त 1-0 जी डी एफ ए गुजरात इस वक्त 1 स्कोर के साथ बर्तरी हासिल किए हुए है जबकि कंबाइन एफसी वजीराबाद 0। कॉर्नर लगा अच्छी क्लियर है जब्बार की जानिब से अहमद रन करते हुए बाल के पीछे लेकिन थ्रो मिलेगी जी लेंडी अगेन थ्रो मिलेगी अच्छा।
डीएफए गुजरात को अगेन थ्रो मिलेगी जी। बहुत शुक्रिया जीशान जमशेद, बहुत शुक्रिया। गुड वर्क शाहजी, बहुत शुक्रिया। जीशान भाई किंग यूनाइटेड लाला मूसा से इनका तलक नहायत मशकूर कि उन्होंने ज्वाइन किया और अच्छा मौका लेकिन हुए नाकाम। लुकमान की जानिब से एक जबरदस्त मौका मिला था लेकिन कीपर ने डाइव करके अच्छी सेव की, खूबसूरत चांस था जी। नहीं जी, फाउल हुआ है जी बिल्कुल। लाइन पे बॉल खिलाई है जी, उमर के पास बॉल है। कंबाइन एफसी वजीराबाद अच्छी पासिंग करते हुए और खूबसूरत तरीके से रन करते हुए खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा क्रॉस और कीपर ने खूबसूरत डाइव लगाकर बॉल को पकड़ लिया। डीएफए गुजरात एक, एफसी वजीराबाद कंबाइन एफसी वजीराबाद 0। इस मैच के मुकम्मल स्पॉन्सर चौधरी इमरान लतीफ, चौधरी जीशान अफजल गोंदल और चौधरी मीर अफजल, जबकि मुकम्मल खर्चा जितना भी इस मैच पे टोटल चौधरी मोहम्मद लतीफ रहमान बेकर की जानिब से किया गया है जी। हम उनके नहायत मशकूर के उन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए डीएफए गुजरात की मदद है, बहुत शुक्रिया जी। शेयर करते जाए, खूबसूरत ट्राई जब्बार की जानिब से, बॉल होगी आउट है जी। अब्दुल जब्बार काफी अच्छे तरीके से खेल पेश करते हुए डीएफए गुजरात की जानिब से। जी गोल किक, बॉल खिला दी, एड किया, बॉल लेने में हुए कामयाब डीएफए गुजरात के प्लेयर। नहीं जी, फाउल हुआ है, रेफरी का इशारा फाउल हुआ है जी। अच्छी शॉट, मिर्जा साजिद जनाब, मिर्जा साजिद गुलियाना चेचिया से इनका तलक, मैं नहायत मशकूर दिल की था ग्राहियों से करता हूँ वेलकम मिर्जा साजिद जी। बिल्कुल दिल की था ग्राहियों से करता हूँ जी वेलकम। डीएफए गुजरात वर्सेस वजीराबाद एफसी कंबाइन एफसी वजीराबाद मैच, ऑर्गेनाइजर चौधरी इमरान लतीफ, डीएफए प्रेसिडेंट उनके साथ चौधरी जीशान अफजल गोंदल और उनके साथ चौधरी मीर अफजल बेगा, जबकि स्पॉन्सर मुकम्मल इस मैच को किया है रहमान बेकर्स ने जी, प्रोप्राइटर मोहम्मद लतीफ। दूसरे हाफ का खेल जारी है जी। इस वक्त जामिया स्टार ग्राउंड गुजरात में, लव यू, बहुत शुक्रिया, लव यू टू मामू जी। मिर्जा साजिद मेरे पड़ोसी भी हैं जी, मैं इनका नहायत मशकूर है, ये मेरी ब्राड पिलाई तशरीफ। शेयर करते जाएं जी, ज्यादा से ज्यादा पेज को फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 इवेंट मुकम्मल लाइव कवरेज आपके साथ जी। सलीम जामिया स्टार के प्लेयर को मिला है जी येलो कार्ड, रिजवान हीरा इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए, हम इनके नहायत मशकूर, लेजेंड ऑफ गुजरात हैं जी, गुजरात के बहुत ही खूबसूरत प्लेयर रह चुके हैं जी रिजवान हीरा ने। किक लगी कीपर और अच्छी सेव कीपर की जानिब से, बॉल चल पड़ी और खूबसूरत तरीके से बॉल को लिया डीएफए के प्लेयर ने, डीएफए गुजरात के प्लेयर ने जी, येलो शर्ट में मलबूस और खूबसूरत बॉल खिलाई है जी लाइन पे। रेफरी का इशारा फाउल है जी, एफसी वजीराबाद कंबाइन एफसी को फाउल मिला है जी। फ्री किक,
जी तमाम दोस्तों का नहायत मशकूर है जिन्होंने मेरा साथ दिया, ज्वाइन किया मुझे लाइव ब्रॉड पे, मैं नहायत मशकूर। थ्रो मिलिया जी डीएफए गुजरात को, थ्रो करेंगे ले जी। इसी के साथ ये डीएफए का मुकाबला विन किया है जी, डीएफए गुजरात ने बहुत ही बहुत मुबारक डीएफए गुजरात की टीम को, डीएफए गुजरात वर्सेस कंबाइन एफसी वजीराबाद, और मुकम्मल स्पॉन्सर किया था जी इस मैच को रहमान बेकर्स गुजरात प्रोपराइटर मोहम्मद लतीफ चौधरी, मोहम्मद लतीफ, जबकि इसको ऑर्गेनाइज कराया था डीएफए प्रेसिडेंट चौधरी इमरान लतीफ, चौधरी जिशान अफजल गोंदल और उनके साथ चौधरी मीर अफजल बेगा। और हम नहायत ही मशकूर राणा गुफराल साहब के जो कि डीएफए के कोच हैं, और दिल की अथाग्राहियों से तमाम अपने दोस्तों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं जी। पहला मैच 2022 का डीएफए गुजरात ने किया विन जी। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट आपके साथ नसीरा इवेंट में या फिर किसी भी फुटबॉल इवेंट में। आप लोग मेरे पेज को कर लें फॉलो, बहुत शुक्रिया मिर्जा साहिब साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।